सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं इंडियन बैक ड्राइविंग थ्रीडी। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। इंडियन बैक ड्राइविंग थ्रीडी में न्यू अपडेट आया है, मतलब नाइट्स का और कुछ ट्रक वगैरह भी आए हैं, तो आज मैं उसी को बताऊंगा। तो जहां तक मुझे पता है कि नाइट का अपडेट शायद 9 है, तो ट्राई डायल कर देखते हैं। तो हां गाइस, देख सकते हो कि 9 का अपडेट आ चुका है। मतलब यार, दिन से तो नाइट कितनी अच्छी लग रही है, मतलब यार एकदम शाम सी हो गई है। ये बादल कुछ पिंक कलर के, पिंक नहीं कहेंगे, मतलब कुछ बैगनी कलर का है इनका यू। तो स्नैपर से मैं आपको दिखा दूं कि पहले मतलब लाइट्स वगैरह घरों में कैसी जल रही हैं। तो उस बिल्डिंग पर एम कर देखते हैं, तो देख सकते हो बिल्डिंग में लाइट तो सारी जल रही हैं। और हाँ गाइस, ये सामने ये लट्ठा दिख रहा है, इसमें ये लैंप है, कहीं उन्हें से फोड़ कर देखा जाए क्यों ये फूटेगा कि नहीं। गाइस, ये नहीं फूटा, बस ये 100 पीस है दिखाने के लिए। तो अभी मैं आपको अपनी सिटी एक्सप्लोर करवाता हूँ। बुगाटी मंगाते हैं पहले, बुगाटी से चलेंगे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। ये बुगाटी आ चुकी है, मैं सिटी एक्सप्लोर करूँगा कि कहाँ कहाँ पर और क्या चेंजेस हुए हैं, अपडेट में कुछ नया आया है कि नहीं। सबसे पहले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं और एयरपोर्ट पर जाकर देखते हैं कि अपडेट में कुछ चेंज हुआ कि नहीं। मुझे लगता है कि जहाँ तक है उसमें भी लाइट वगैरह लग गई होंगी। मैं अभी एयरपोर्ट के गेट के बाहर तो आ गया हूँ, सामने ही गेट है, तो अंदर चलकर देखते हैं और देखते हैं कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। हाँ गाइस, दिख तो रहा है दूर से कि लाइट्स भी लग गई हैं। भाई मतलब दूर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और पास जाकर तो और ही भाई मतलब गजब लग रहा है। मतलब यार, गेम के डेवलपर ने मतलब एकदम सही चीज ऐड कर दी है इसमें। यार इसकी तो बहुत ही जरूरत थी गेम प्ले वीडियो बनाने के लिए लोगों को, ये एकदम सही चीज ऐड की है गेम के डेवलपर ने। तो यार, बहुत देर से कार से सिटी एक्सप्लोर कर लिया, वक्त है हमारा हेलीकॉप्टर से सिटी एक्सप्लोर करने का। तो अभी अपने हेलीकॉप्टर से चलते हैं और मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा सिटी का व्यू कैसा लग रहा है। तो अभी हेलीकॉप्टर आ चुका है, इनके अंदर बैठते हैं, मैं आपको सिटी का व्यू दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है ऊपर से जहां तक है। और अच्छा लग रहा होगा क्योंकि नाइट मोड ऐड हो चुका है और चारों तरफ लाइट ही लाइट है। तो अभी हेलीकॉप्टर से आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि मेन सिटी वहीं पर है, और सिटी के आगे एक वो है, क्या कहते हैं, स्टेशन। तो स्टेशन पर भी चलेंगे, देखेंगे अपडेट में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं कि नहीं। तो पहले आप सिटी देख लीजिए, ऊपर से कुछ ऐसा व्यू जा रहा है और सामने की तरफ स्टेशन है, तो स्टेशन की तरफ चलते हैं। स्टेशन पर तो पहुंच चुके हैं, नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ चेंजेस ज्यादा तो लग नहीं रहा। नीचे की तरफ रोशनी आ रही है, सर यहाँ पर भी लाइट्स लग गई हैं, नीचे उतर कर देखते हैं। बस जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि स्टेशन पर भी लाइट लग गई हैं, तो अभी मैं आपको दूसरे अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो अभी इसके लिए हमें जाना होगा अपने घर। तो गाइस, मैं अभी घर पर तो आ चुका हूँ और दूसरा अपडेट गाइस ट्रक का है, पहले भी था लेकिन उस ट्रक में अब एक ट्रॉली लगा दी है जिससे आप कार वगैरह ले जा सकते हो। तो इसका चीट कोड 01212 है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आ गया है, मैं आपको पूरा ट्रक दिखा देता हूँ। ये पीछे ट्रॉली है जिसमें आप कार वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई गेम प्ले में शोरूम वगैरह की वीडियो बनाता है तो इसके लिए काफी काम आएगा, GTA 5 की तरह है बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम इसमें कोई कार भी रख सकते हैं, तो कार रख कर देखते हैं क्यों हमें इसमें एक स्कॉर्पियो लगा कर देख। और अभी आप देख सकते हैं ऊपर एकदम फ्लैट है, एकदम काफी जगह दी गई है हमको, डेवलप ने काफी अच्छी चीज बनाई है। तो अभी कार को रख कर देखते हैं इसमें। मैं अभी एक स्कॉर्पियो लेकर आ गया हूँ, स्कॉर्पियो को इस पर चढ़ाकर देखते हैं। नहीं गाइस, नहीं जा रही है, क्यों इसे पीछे ले जाकर स्पीड में लेकर आए। गाइस पीछे लेकर चलते हैं और एकदम स्पीड में लाएंगे। तो अब इसको एकदम स्पीड में ले जाएंगे और क्या पता ये चढ़ जाए। गाइस चढ़ तो गई है आधी, लेकिन मैं गलत तरीके से मोड़ दी थी। तो गाइस ये तो कन्फर्म है कि इस पर कार चली जाएंगी। तो अभी मैं दूसरा वो देखता हूँ अपडेट में दूसरे में। तो जहाँ तक मुझे पता है कि दूसरे अपडेट में, मतलब लास्ट अपडेट है ये, उसे ध्यान से देखना कि इसमें मतलब क्या आया है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें शायद फायर विकेट आई है, ध्यान से देखना कि इसका चीट कोड क्या है और मतलब क्या, मतलब कैसा है ये दिखने में। तो चलो मंगाते हैं इसको भी। तो हाँ गए, तो इसका चीट कोड जहाँ तक मुझे पता है शायद 606 है, डायल कर देखते हैं। तो डायल कर दिया। हाँ गाइस, तो ये सही चीट कोड था, आप भी याद रखना 606। तो ये कुछ ऐसा है फायर ब्रिगेड देखने में, आप भी देख सकते हो। और भाई इस पे ये लिख रहा है फायर एंड रेस्क्यू सर्विस R1। भाई देख सकते हो पीछे से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इसको ऐड करने की ज़रूरत तो थी नहीं इसमें, मतलब आग वगैरह तो नहीं लगती है यहाँ पर गेम पर ठीक है, जो किया है सो उसका फुल फ़ायदा उठाओ। और आगे से कुछ ऐसा है, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको इसको ड्राइव कर दिखाऊँगा कि चलने में ये कैसा लगेगा। तो चलो इसमें बैठते हैं, शायद इधर से बैठेंगे। हाँ गाइस, मतलब बैठने का बिल्कुल ही सिस्टम बदल दिया है। तो अभी इसको मैं आपको ड्राइव कर दिखाता हूँ। वैसे चलने में तो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रही है, मतलब आवाज़ कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ये। तो अभी थोड़ा और चला कर देखता हूँ। और हाँ गाइस, अगर ये मतलब फायर ब्रिगेड है, इसमें पानी होगा अंदर, मैं अगर इसे ब्लास्ट कर देखूँ क्या पता ये फटेगा कि नहीं। तो पहले यही देखते हैं कि ब्लास्ट कर अपनी RPG से कि फटेगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, ये एक फायर ब्रिगेड है, इसके अंदर पानी होगा और ये RPG से फटेगा कि नहीं यही देखेंगे। तो गाइस ये फट चुका है, बस दिखाने के लिए 100 पीस था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चलेगा भी नहीं, इसमें से पानी वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।